राम राम सब भाइयों को। मैं थारा भाई शिवा चौधरी, शिवा मलिक जाट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे भाई किसान आंदोलन 2.0, मतलब किसान आंदोलन का जो दूसरा पार्ट शुरू हुआ 2 दिन पहले, अभी 12 फरवरी 2024 को। 2 साल पहले भी भाई किसान आंदोलन चला था, जो मोदी सरकार द्वारा किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून लाए गए थे, वो 1 साल से भी ऊपर आंदोलन चला था भाई। सरकार झुकी थी, मांग माननी थी उसमें, पर 2 मांग थी किसानों की, एक MSP का गारंटी कानून और ये 3 काले कानून रद्द, 3 काले कानून रद्द कर देते, और MSP गारंटी कानून पर लिखित आश्वासन दिया था मोदी सरकार ने कि 1 साल के अंदर अंदर इस पर कठोर कार्रवाई करी जाएगी, जरूर कुछ ना कुछ बनाया जाएगा, इस पर हम काम करेंगे। लेकिन भाई 1 साल हो गया उस बात को, कोई भी कुछ भी, ना कोई कानून बनाया गया, ना कहीं MSP पर कोई खरीद होती, ना कुछ है मामला। MSP पर बहुत ही कम फसल बिक पाया भाई किसानों की। और मतलब ये देखो भाई, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो भी तुम कुछ चीज खरीदो, 5 रुपए की नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही के पैकेट, कुछ भी, उन पर है भाई MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये देख लो, मतलब उनका तो मैक्सिमम, और हमारा मिनिमम पे नहीं बिक पा रहा, ये देख लो तुम। तो एक 3 काले कानून तो मोदी सरकार ने झुक के वापस कर लिए थे। जब 1.5 साल लोग का आंदोलन चला था, किसानों ने सारी दिल्ली घेर ली थी, चारों तरफ थे भाई, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, UP, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आसपास के जितने भी स्टेट के किसान थे, सारे के सारे, पूरे देश में आग लगी थी इस किसान आंदोलन की। तो भाई पंजाब वालों ने भी दूसरा आंदोलन शुरू करा फिर के। सबसे बड़ा जो मुद्दा है भाई किसानों का, वो है आज के टाइम पे MSP। अरे वो आज का नहीं भाई, बहुत साल पुराना मुद्दा है। सबने कितनी कमेटी बन ली, हमेशा सबने कहा कि MSP जरूर लागू करना चाहिए, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति इसमें सुधार आवेगा, जो किसानों का पेमेंट नहीं होता, अच्छे रेट नहीं मिल पाता। MSP पर अगर खरीद होने लगे ना मेरे भाई, किसानों के ठाट ही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया मामला हो जाएगा। एक नंबर ही तो मैं कहूँ, बिना नहीं रहे किसान अपनी फसल को बेचने के लिए, कभी इंगा धक्के खावे, कभी उंगा खावे। सबसे ज्यादा जो MSP पर फसल बिके मेरे भाई, वो बिके पंजाब में, फिर दूसरे नंबर पर हरियाणा में। यूपी में तो कुछ भी नहीं बिक पाती, यूपी में तो सारी नहीं जा। आधे तो चौड़ा चौड़ा, मतलब मेरे यहाँ यूपी में चौड़ा बोल रहे हैं भाई, जिसे हरियाणा में मुंजी भी बोल रहे हैं, धान भी बोल रहे हैं, चावल, मतलब यूपी वाले हरियाणा में लेकर जा, हरियाणा वाले उन्हें लट मार का भगा दिया कि यहाँ क्यों बेचना आ रहे, क्योंकि हरियाणा वालों की नहीं खरीदी जाती सारी फसल। तो यू मामला है, यू बहुत बड़ा मुद्दा है, हर एक किसानों का जुड़ा हुआ मुद्दा है MSP। यू किसी एक पार्टी से या एक संगठन से, पिछली बार किसान आंदोलन की जीत हुई थी ना मेरे भाई, वो हुई थी किसानों की एकता की वजह से, सारे संगठन एक थे, संयुक्त किसान मोर्चा बना दिया गया था। ये हरियाणा के किसान संगठन, किसान अलग हो रहे, यूपी के अलग हो रहे, किट्टी कैत अलग, चरूनी अलग, पंजाब वाले अलग, सारे मिलजुल के अगर भाई काम करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो जरूर MSP की मांग माननी जाएगी। चुनाव नजदीक है, चुनाव के टेम पे ही मांग माननी जाए, करे कोई नहीं पूछे भाई फिर 5 साल लो। बहुत से भाई BJP वाले नु कह रहे, कह इब अप्रैल में चुनाव आ रहे, तो अब क्यों आया इन किसान आंदोलन याद। अब इतना तो बुद्धि थैरे में भी होगी, जो सरकार कुछ दिया करे, सिर्फ इलेक्शन तो 2-3 महीने पहले ही अगर कुछ धरना प्रदर्शन करोगे तो मांग माननी जा सके, तो मैं कुछ मिल सके, नहीं तो फिर 5 साल लो किसी को कुछ नहीं मिलना, चाहे कितना ही धरना प्रदर्शन आंदोलन कर लियो, ठीक है। इतना तुम भी पागल ना बना करो कि चुनाव के टाइम पे क्यों करे, और चुनाव होने के बाद करे, फिर कौन सुन लगा 5 साल लो, तो चुनाव के टाइम पर तो तुम सुन नहीं रहे। आंदोलन करने का सही समय भाई चुनाव के टाइम पे हो है, इसमें भाई कोई ये नहीं कि कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस ने भी ऐसी तैसी करवा ली थी, आज लोग का MSP पे गारंटी कानून नहीं बनाया। तो हमें तो मोदी सरकार से उम्मीद है भाई, इस चीज पर जरूर कार्रवाई करी जाएगी, और एक बहुत बढ़िया कानून बनाया जाएगा कि MSP पर नीचे खरीद ही ना हो किसी भी फसल की। मोदी सरकार ने मेरे भाई इतना भुंडारू का हथियार रखा किसानों के खिलाफ, जो करिया आतंकवादी है, अरे पूरी सड़कों पर कील बिछा दी, फोर्स लगा दी, मिट्टी के भर के ट्रक कूट दे, ट्रक खड़े कर दे रोडियों के भर के, पर भाई ये भी किसान है, अपने टैंक मतलब ट्रैक्टर को लेके आ रहे, ट्रैक्टर से सब कुछ खींच के भगा दिया, 2-4 बॉर्डर तो तोड़ तोड़ के अंदर जा भी लिए भाई किसान सारे के सारे। मैं इधर कहना तो यही है भाई, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सारे के सारे 2 साल पहले की तरह एकजुट हो जाओ, सारे किसान संगठन भी राजनीति छोड़ गए, सारे किसान संगठन राजनीति में ज्यादा वो हो रहे, कोई नु चेहरा मेरा नाम हो, कोई नु चेहरा मेरा नाम हो, इस वजह से सारे अलग अलग फिर रहे, ना तो सारे एक होकर लड़ाई लड़ेंगे ना जरूर जीतती जाएगी, ऐसे इतना वो नहीं है, क्योंकि बहुत जायज मुद्दा है MSP की मांग, कोई नहीं कह सकता कि तुम के मांग रहे। और खुद मोदी ने लिख कर दिया था, वादा खिलाफ ही कर रखी मोदी ने, उनने खुद कहा था कि मैं MSP पर गारंटी कानून बनाया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं बनाया गया।
तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अगर बढ़िया लगी हो। और जो भाई इस चैनल पर नया जुड़ा हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लो, क्योंकि किसान आंदोलन की भाई हम पहले तभी सपोर्ट में रहे, अभी भी सपोर्ट करेंगे और आने वाले कैंप पर भी सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से हर तरीके से, ग्राउंड लेवल पर भी और सोशल मीडिया पर भी। एक बहुत से अकाउंट भी डिलीट करे जान लग रहे भाई, ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर जो किसानों की आवाज उठा रहे, उनकी वीडियो घेर रहे, उनके ऊपर वीडियो बना रहे, तो हमें इस चीज का भाई कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाओ, हम किसान के बेटे हैं भाई, किसानों की लड़ाई में हम साथ खड़े, कोई हो या ना हो, इसमें चाहे कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हो, किसानों की सपोर्ट जरूर करें मेरे भाई। रोटी तो सभी खाते होंगे किसानों के बोए हुए ही, मेहनत कर करके धूप में प्यासे मर मर के, और भाई रात को दिन में जड्डे में पानी चला हुए इतनी मेहनत करे किसानों की, तब मेहनत नहीं दिखती तुम्हारे, फिर भी वो कीमत नहीं मिल पाती उन्हें, तो खुद सोच कर देखो, तुम मेहनत करो तुम उस चीज का फल ना मिले कुछ भी, फीस भी नहीं जाए पत्ती किसानों के बालों को की सही टाइम पे, लत्ते भी मन को किसानों के जाके देख बेचारे खेत में कैसे पै रहे, पट्टे सट्टे नहीं ए फिरू जा बेचारे, मेहनत करते पूरे देश का पेट पाल रहे। जब कोरोना का टाइम था ना, जब भी सिर्फ एक यही थी कृषि जो जीडीपी ऊपर लेके गया था, मतलब नीचे नहीं आई थी इसकी ग्रोथ, इसमें पिछली बार की तरह किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी देशद्रोही बता दिया जाएगा, क्योंकि अपने हक की आवाज जो उठा रहे, और किसी के बस की तो अपने हक की आवाज उठानी है नहीं, जीब अपने पे बीतता है जीब पता लगा है, कभी किसी पे बीतता है फिर सारे के सारे हर समाज अपने पे लेकर चले है, जीब अपने आप पर कुछ भी हो जा, इब किसानों के ऊपर हो रहा तो इब सारे खुश हो रहे, सारे कह रहे लट बजाओ ये करो वो करो, कोई भाई देखे जब हम कोई विदेशी वीडियो आएगी, कनाडा की वीडियो आएगी, ऑस्ट्रेलिया की आएगी, कोई कही की पुरानी वीडियो आएगी इंडिया की किसी सरदार की, कि हमें तो खालिस्तान की मांग कर रहे, खालिस्तान चाहिए ये वो, फिर उन पर कमेंट होगी, हिंदूवादी जितने पेज होंगे ना तुम खासकर देखियो, आरएसएस के जितने पेज बने होंगे हिंदू संगठन के नाम पे, सब पे कितनी खिलाफत चलेगी इस चीज की, कि ये तो खालिस्तान है, ये है खालिस्तान की मांग कर रहे। और भाई मेरी भी सिख सरदार भाई अपने जट भाई जो पंजाब के है उनसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, कोई भी ऐसी गलत बयानबाजी ना करे खासकर खालिस्तान से रिलेटेड, कि इससे हमारे आंदोलन को नुकसान हो, हम सारे एक है, जट जाट एक है, किसान छत्तीस बिरादरी का सारा साथ है। राम राम, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।